हैदराबाद के 10 क्लास के बच्चे ने बस इसलिए अपना जान ले लिया, उसके मम्मी ने उसको पबजी खेलने से मना किया था। आंध्र प्रदेश का एक बच्चा बाथरूम के अंदर फांसी लगा लिया। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चला कि वो एक पबजी का मैच हार गया था और उसके बाद उसके दोस्तों ने उसको बहुत ज़्यादा बुली किया, तो उसके बाद वो सुसाइड कर गया। एक 6 क्लास का बच्चा अपने पापा का क्रेडिट कार्ड चुराता है और एक ऑनलाइन गेम के अंदर जाके वहाँ पे 40,000 रुपये उड़ा देता है और उस गेम का नाम है फ्री फायर। उसके बाद घर के अंदर बहुत ज़्यादा मार पड़ता है और वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं ग्रो टू डिजिटल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे ऐसे बात आपको बताने वाले हैं कि आपने कभी भी किसी न्यूज़ चैनल के अंदर नहीं सुना होगा। आप लोग तो गेम खेलते हो लेकिन गेम का जो एक डार्क साइड है वो आपको पता नहीं है। ये जो ऑनलाइन गेम है इसको बनाया गया था टाइम पास करने के लिए, लेकिन ये जो ऑनलाइन गेम है कब एक इंसान का जान लेना स्टार्ट कर दिया किसी को भी पता नहीं है। ये जो पबजी है, फ्री फायर है, ये सब कुछ जो गेम है, ये जो गेम है एक गेम की तरह खेलना चाहिए, ना ही कि कोई गेम के अंदर अगर आप हार जाते हो तो अपना जान ले लो। ये जो टीनेजर है इनको पता नहीं है कि भाई एक गेम के अंदर हार गया ना जिंदगी में तो नहीं हारा, एक गेम के अंदर मर गया ना जिंदगी में तो नहीं मरा ना। तो अगर कोई बंदा गेम के अंदर मर जाता है उसके बाद उसको रिवाइव दिया जाता है, या फिर अगर आप मर जाते हो तो आप दूसरे गेम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अब जिंदगी के अंदर आप हार जाते हो, अगर जिंदगी खत्म कर देते हो तो जिंदगी आप दोबारा चालू नहीं कर सकते। मैं ये जो टीनेजर है हाथ जोड़ के इनको एक बात बताना चाहता हूं, ये जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलता है, इसको ऐसे खत्म मत करो। अगर कोई गेम आप खेल रहे हो टाइम पास करने के लिए खेल रहे हो तो टाइम पास ही करो, ना ही कि उसको सीरियसली लो और सीरियसली उसको खेलो। गेम खेल के जो टीनेजर बच्चे होते हैं बस यही डिप्रेशन में नहीं है, ये जो बड़े बड़े गेम कंपनी होता है बच्चों को एक गेम का आदत लगाने के लिए, लत लगाने के लिए एक जो गेम बनाता है, ये जो गेम को अंदर कोडिंग करते हैं, गेम को प्रोग्रामिंग करते हैं, ये जो बंदा होता है गेम के अंदर प्रोग्रामिंग करता है, उस बंदे को दिन के अंदर 12 से 16 घंटा काम करवाया जाता है, ना ही कि उसका एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता। आप ऑनलाइन के अंदर सर्च कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको आर्टिकल मिल जाएगा कि ये जो गेम डेवलपर होता है इसको कितना मेहनत करवाया जाता है, उसका पैसा नहीं दिया जाता, अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको वहाँ से फायर कर देता है। इसलिए मैं आप सभी को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, गेम खेलना है खेलो, गेम की तरह खेलो, ना ही उसको सीरियसली लो, क्योंकि एक बार आपका जान चले जाएगा तो जान वापस कभी नहीं आएगा। तो गेम को गेम की तरह खेलो, सीरियसली मत लो। और ये जो चैनल है आपके बड़े भैया का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वीडियो यहीं पे देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज कार्तिक देव साइनिंग ऑफ, बाय।